नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कार अलार्म एंड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार साहू और आज लेकर आया हूं आपके लिए ऑटो सिक्योरिटी सिस्टम। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आरडी कंपनी का कार अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि आपको 3 ईयर की वारंटी में मिलता है। इस किट में आपको एक अलार्म मिलता है, एक रिले किट मिलता है, एक रिमोट मिलता है और साथ ही कनेक्शंस वायर्स मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कार में पहले से ही सेंट्रल लॉकिंग दी गई है लेकिन वो मैनुअल है, यानी कि आपके पास में रिमोट नहीं है, उस कंडीशन में हम इस किट को इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपको एक रिमोट मिल जाता है और कीलेस एंट्री मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है स्कॉच क्लिप। इसका इस्तेमाल हम लोग वायरिंग कनेक्शन के लिए करेंगे, जिससे कंपनी की वारंटी ब्रेक ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है डोर स्विच और इसे हम लोग इस तरह यहाँ पर डोर के पास में इंस्टॉल करेंगे। डोर स्विच के वायरिंग, ये कौन से? ये डोर स्विच के ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला, और ये बाकी ये बैटरी वायर है। ये बैटरी के वायर, ये बैटरी वायर है। ये कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये कौन सा? ये बैटरी वायर है ना, माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है। ये बैटरी में लगेगा ना? दोनों वायर बैटरी वाला, ये दोनों वायर बैटरी के भाई। ये डोर स्विच का, ये वाला डोर स्विच, ये सायरन का। ये वाला है ऑरेंज वाला वायर सायरन के लिए, है ना? ये भी बैटरी में जाता है। ये सायरन का, ये दो स्विच का था और ये काय का था? सायरन का। ये वाला सायरन के लिए है और ये वाला दो स्विच के लिए। नीचे गिरी होगी इसके अंदर। I20 के नाम से आता है ये। I20 के नाम से ही आएगा ना ये सारा। इंडिकेटर पे लगती है। ये चार वायर किसके हैं? इंडिकेटर के वायर है ना, चार इंडिकेटर में लगेंगे पीछे के, मतलब दो दो लगेंगे ना। हाँ। सामने भी लगेगा क्या? तो एक ही लगा देंगे इंडिकेटर के। इंडिकेटर के वायर ये वाले, ये वाला, ये रिवर्स, ये रिवर्स वाला है ना जी। रिवर्स मतलब रिवर्स गियर पर सायरन करेगा, रिवर्स गियर पे सायरन करेगा। ये वो पर सत्तर, चलिए दोस्तों अब हम इस किट के वायरिंग के कनेक्शंस को करेंगे। ब्लैक वाला माइनस, ठीक है। ये सायरन का प्लस है, ये सायरन का प्लस है। हाँ, बॉडी अर्थिंग है उसका। हाँ, और ये डोर स्विच का वायर है।
ये वाला कौन सा? डोर स्विच का वायर। ये डोर स्विच का वायर है ना, ठीक है। अब एक ठीक है, ये वाला क्या है, कौन सा वाला? ये वाला माइनस। ये कहाँ लगा रहे हो? ये यहाँ पर लग गया माइनस, ठीक है। माइनस में हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, ब्लैक कलर वाला जो वायर था ना, प्लस ब्लैक कलर का वायर माइनस का ये जुड़ चुका है ना। फ्यूज ये वाला बताना जरा, ये प्लस का फ्यूज है ना, रेड वाला वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम लोग प्लस में जोड़ेंगे इसको, है ना। ये हो गया हमारा प्लस, अभी अपन सायरन को जोड़ने वाले हैं ना। ये हमारा सायरन हो गया, ये सायरन की वायरिंग हो गई, और इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे? ये सायरन के सेंटर लॉकिंग के वायर से, सायरन के सेंटर लॉकिंग वायर से इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। और ये क्या है, ब्लैक वाला वायर कहाँ? अर्थिंग का। अर्थिंग कहाँ लगेगी? ये यहाँ पर अर्थिंग लग जाएगी इसकी, है ना। तो ये कम्प्लीट हो जाएगा ना। दोस्तों, वायरिंग के प्रॉपर कनेक्शन को जानने के लिए आप इस चार्ट की मदद ले सकते हैं। इसमें वायर के कलर के हिसाब से वायर के इंडिकेटर को डिफाइन किया गया है। स्कॉच क्लिप, जिसका इस्तेमाल हम लोग वायर को कनेक्शन देने के लिए कर रहे हैं। इस स्कॉच क्लिप के कनेक्शन देने से कंपनी के वायरिंग में कटिंग नहीं होती है और कंपनी की वारंटी भी नहीं जाती है। दोस्तों, ये है हमारा रिले किट, जिसमें हम लोग सभी कपलर्स को इस तरीके से लगाएंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉल होने के बाद में आपका सेंट्रल लॉकिंग अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप रिमोट के थ्रू आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।